नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों ये देखिए मोबाइल है, और इस मोबाइल के मैंने जो है सभी पेंच वगैरह जो है खोल दिए हैं, क्योंकि जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो चारों तरफ जो भी पेंच लगे हैं वो मैंने खोल दिए हैं। अब इसकी बैटरी को हम निकालते हैं, ये बैटरी निकाल दी है, और इसके बाद जो मतलब इसमें जो रैपर लगा हुआ है जो इसका, इसे भी छुड़ा लेते हैं। ये छुड़ाएँगे तो उसके बाद जो है कवर आसानी से निकल आएगा, इसमें थोड़ा चिपका हुआ होता है। तो देखिए मैंने कवर भी हटा दिया है, अब इसके बाद इसका जो बैक वाला कवर है ये आसानी से हट गया। तो इसमें आप जो है देख सकते हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, चिप लेबल लगे हुए हैं। तो इस साइड में यहाँ पे देखिए ये कैमरा लगा हुआ है, और ये कैमरा जो है पट्टे वाला है, जिसमें जिसे लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसका सॉकेट है, उसमें लगा के निकाल भी सकते हैं। तो इसका जो बैक वाला कवर है, इस बैक वाले कवर में भी कुछ कंपोनेंट जो हैं लगे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक जो है मोटर लगी हुई है, और ये मोटर जो है बहुत काम की होती है, और ये मोटर पूरे मोबाइल को हिला देती है। मतलब जो है जब वाइब्रेशन होता है, जब भी कोई फ़ोन आता है या हम लोग फ़ोन को वाइब्रेशन पर लगा देते हैं तो जो फ़ोन आता है तो ये मोटर घूमती है बहुत स्पीड से, इसके RPM काफ़ी होते हैं। तो ये देखिए मैंने मोटर को निकाल लिया है। अब क्या होता है, इसी मोटर की वजह से हमें जो है वाइब्रेशन मालूम पड़ता है, और जो है फ़ोन जो है हमारा बहुत स्पीड से हिलने भी लगता है। तो ये मोटर जो है काफ़ी स्पीड में चलती है, और ये मोटर बहुत छोटी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक साइड में जो कटा कटा हुआ सा जो मतलब जो है इसमें जो पुली टाइप की कटी हुई लगी हुई है, तो ये मोटर जो है एक साइड में डिसबैलेंस होकर चल रही है। तो इस वजह से क्या होता है, फ़ोन हिलता है। डिसबैलेंस जो बना हुआ है ये ना लगा हो तो ये फ़ोन जो है मतलब नहीं ले, खाली मोटर घूमेगी। है यहाँ पे देखिए दो पॉइंट बने हुए हैं, जो पीले पीले दो पॉइंट बने हुए हैं कवर के। तो ये जो दो पॉइंट हैं इसी मोटर के इसमें टच हो जाते हैं, और ये जब टच हो जाते हैं तो जब भी कोई फ़ोन आता है मतलब या वाइब्रेशन मोड पे हम लोग चेक करते हैं तब ये मोटर हमारी घूमने लगती है। तो ये देखिए हमारे पास एक बैटरी है, हम इस बैटरी से आपको डायरेक्ट चला के दिखाएँगे ये मोटर कितनी स्पीड में चलती है। तो देख सकते हैं आप, ये मोटर देखिए कितनी स्पीड में चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। तो ये देखिए आप, बहुत स्पीड में चल रही है। तो मतलब जो है ये मोटर बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक टाइप का जो लगा हुआ है प्लास्टिक का कवर है, इसे देखिए हम हटा के आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से देखिए मैंने कवर को हटा दिया, ये इसलिए लगाया गया है कि जो बैक वाले कवर में मोटर को फिक्स करना है तो मोटर दाएँ बाएँ हिले ना, एकदम वहीं पर रुकी रहे, तो इसलिए लगाया जाता है। कुछ मोबाइल जो फ़ोन होते हैं उनमें जो है वाइब्रेटर मोटर जो डायरेक्ट जो है सोल्डरिंग कर दी जाती है, जो पीछे वाली ये जो सर्किट होता है इसकी जो PCB होती है उस पर डायरेक्ट सोल्डरिंग जो है होती है, और मोटर उस पर जुड़ी हुई होती है। लेकिन ज़्यादातर फ़ोन में ये अलग से आने लगी है। ये देखिए मैंने आपको दोबारा चला के दिखाई, तो ये मोटर चल रही है। इस मोटर का उपयोग जो है वाइब्रेशन के लिए किया जाता है, और आप चाहें तो बच्चों को खिलौने के लिए या कुछ भी जैसे आप बनाना चाहें, छोटा सा पंखा बनाना चाहें तो इसका पंखा भी बन जाएगा और बहुत स्पीड में चलेगा। लेकिन बहुत खिलौने रूप में अगर पंखा बनाना चाहें तब बन जाएगा, बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मोटर जो है काफ़ी छोटी होती है, और ये कोरलेस मोटर होती है, और ये जो है चलती रहती है लगातार। अगर आप इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे तो ये लगातार चलती रहेगी। तो इस तरीके से इसमें मोटर होती है। तो ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।